Welcome to the lecture number 11 of discrete structure. Today's agenda is series, arithmetic series, geometric series. आज हम series को, arithmetic series को और geometric series को examples के साथ समझेंगे. Series, the sum of the terms of a sequence forms a series. यानी कि sequence में अगर हम sum कर दें sequence की terms को तो वो सीरीज बन जाती है. इफ ए वन ए टू ए थ्री रिप्रेजेंट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर देन द करस्पोंडिंग सीरीज इज ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस एंड सो ऑन एंड समेशन ऑफ वन के इज इक्वल टू वन टू एन एंड ए के. समेशन नोटेशन द कैपिटल ग्रीक लेटर सिग्मा इज used to write a sum in a short hand notation where k varies from a to n represent the sum given in extended form but a1 a2 a3 यानी कि अगर हम लिखेंगे सिंपल सी बात है कि सिग्मा के ब्लॉक नीचे लोअर साइड लिखे k इज इक्वल टू m और ऊपर हमने n तक लिख दिया तो हमारे पास क्या आएगा जी ऑफ के ए के इज इक्वल टू ए एम प्लस वन फिर ए एम प्लस टू एटसेट्रा. एक सिंपल सी बात है कि जो सीक्वेंस सीरीज में फ़र्क क्या है. सीरीज में हम क्या करते हैं कि सीक्वेंस के दौरान समेशन कर देते हैं, उनको सम अप कर देते हैं. सीक्वेंस को जब हम सम अप करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो सीरीज बन जाती है. सिग्मा के इज इक्वल टू एम एंड एन तो लोअर लिमिट के एम है और अपर लिमिट एन है और इसमें के इंडेक्स ऑफ समेशन है. ठीक है, तो कंप्यूटिंग समेशन लेट ए नॉट इज इक्वल टू टू ए वन इज इक्वल टू थ्री ए टू इज इक्वल टू माइनस टू ए थ्री इज इक्वल टू वन एंड ए फोर इज इक्वल टू जीरो. कंप्यूट ईच ऑफ द समेशन. सिंपल सी है कि जी ये हमें समेशन दी है, इनको कंप्यूट करना है. जैसा कि आई इज इक्वल टू जीरो तो पहले वैल्यू हमारी जीरो से शुरू होगी और फोर्थ टर्म तक जाएंगे. हमने ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री और ए फोर तक किए और दूसरे में क्या है जी जे इज इक्वल टू जीरो टू टू तो जे इज इक्वल टू जीरो तो हमारे पास जे पहले जीरो आ जाएगा. हम जे की वैल्यू जब वन पुट करेंगे तो जे की वैल्यू टू आ जाएगी. ए नॉट ए टू और ए फोर हो गया और थर्ड में क्या हो गया जी हमारे पास सिंपल सी बात है के इज इक्वल टू वन तो वन तक जा रहे हैं तो के ए वन की वैल्यू ए थ्री है. तो ये सिंपल सी बात है, एक एग्जांपल से उसने समेशन को समझाया हुआ है. सिंपल कह सकते हैं जी सीक्वेंस को जब सम अप कर देते हैं तो सीरीज बन जाता है. सीरीज में हम सिग्मा सीरीज में जितनी भी टर्म्स होती हैं उनको हम सम अप करते हैं तो सिग्मा की फॉर्म में उनको सम अप करके फार्मूलेट कर लेते हैं और अगर उसको एक्सपेंड करना हो तो हम उसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं. कंप्यूट द समेशन है, सिंपल सी बात है जी समेशन को हम कंप्यूट करते हैं और ये इसमें आई इज इक्वल टू वन है तो आई जहाँ जहाँ वन आई होगा वहाँ वन पुट कर देंगे तो हमारे पास ये थ्री तक जा रहा है तो थ्री तक हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो उसको सम अप कर देंगे तो वो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमारी समेशन होगी तो वो नाइन है. दूसरे केस में हम देख रहे हैं कि माइनस वन से कि वन तक जाना है, माइनस वन जीरो और वन तक. तो ये इसको भी इस तरीके से सॉल्व किया गया है, ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी. वैसे तो सॉल्व है और इसमें कोई कंफ्यूजिंग पॉइंट नज़र नहीं आ रहा तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगी. जस्ट हमने क्या किया, के की वैल्यू उसको पुट कर दिया और ऊपर आई की वैल्यू उसको पुट किया. समेशन नोटेशन टू एक्सपेंडेड फॉर्म, समेशन नोटेशन को हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में कर दिया. सिंपल सी टेक्निक है कि हमने ज़ीरो से शुरू हुए और एन तक लेके जाना है तो हमने पहले तीन चार टर्म्स को किया उसके बाद डॉट डॉट लगा कि हम एन तक चले गए और ये हमारे पास जो एंड रिजल्ट आया वो आया वन माइनस वन ओवर टू प्लस वन ओवर थ्री माइनस वन ओवर फोर प्लस डॉट 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 प्लस माइनस वन की पावर एन ओवर एन प्लस वन. तो ये भी एक इसका एक इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आपके पास समेशन है तो उसको वो कह रहा है कि इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में होता है. एम सी क्यूज में अक्सर ये आ जाता है तो आप इसको इस तरीके से
एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म टू समेशन नोटेशन। अच्छा जी, राइट द फॉलोइंग यूजिंग समेशन नोटेशन। 1 ओवर n प्लस 2 ओवर n प्लस 1 प्लस 3 ओवर n प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस n प्लस 1 इज इक्वल टू 2n। तो यहाँ पे सोल्यूशन है, वी फाइंड द kth टर्म ऑफ द सीरीज। द न्यूमरेटर फॉर्म्स एन अरिथमेटिक सीक्वेंस 1 2 3 इज डॉट 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 n प्लस 1 इन विच ए फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 1, डी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, और ये जो है ए के इज इक्वल टू ए प्लस के माइनस 1 डी आ जाएगा। तो ये एक सिंपल से हमें फार्मूला पता है कि जी हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस में ये फार्मूला पढ़ा था। अब क्योंकि हमने एक्सपेंडेड फॉर्म को समेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसलिए हमें ये फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, और इस फार्मूले में हमने न्यूमिनेटर को और इसको न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को अलग से करेंगे। तो पहले उसने क्या किया जी, अरिथमेटिक से सिमिलरली थी नॉमिनल फॉर्म से अरिथमेटिक सीक्वेंस, और आपने देखा कि नीचे भी एक अरिथमेटिक सीक्वेंस बन रहा है। इन दोनों को सॉल्व करके हमने क्या किया जी, एक्सपेंडेड फॉर्म को समेशन नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये क्वेश्चन आ जाता है हमेशा कि एक्सपेंडेड फॉर्म समेशन में करें, तो इसमें मोस्टली यही है कि अगर आपके पास दोनों नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो हम यही फार्मूला अरिथमेटिक सीक्वेंस वाला लगा देंगे, तो हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म जो है वो समेशन फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगी। द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस फॉर्म्स एंड अरिथमेटिक सीरीज इज फॉर एग्जांपल वन ए प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस इन एन अरिथमेटिक सीरीज ऑफ पॉजिटिव और इंटीजर। इफ इन जनरल इफ ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन अरिथमेटिक सीरीज, देन द सीरीज इज गिवन एज ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2 डी प्लस सो ऑन। अच्छा, सम ऑफ ए टर्म्स सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक सीरीज। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि जी लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ अरिथमेटिक सीरीज, देन इट्स nth टर्म इज ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन एन डी। लेकिन यहाँ पे ये तो nth टर्म है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने अरिथमेटिक सीरीज सम फाइंड आउट करना होता है। तो फाइंड सम फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा सा उसने फार्मूलाज की मदद से उसको सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास एस एन है लास्ट में, आपने देखा जो इक्वेशन नंबर 4 बन रही है, इसमें आपने देखा एस एन इज इक्वल टू एन ओवर 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ये हमारे पास एस एन है जो कि अरिथमेटिक सीरीज के लिए फार्मूला, एस एन इज इक्वल टू एन माइन एन ओवर 2 इंटू टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास अरिथमेटिक सीरीज है। आप इसकी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि समझिए समझ सके। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर लेट एस एन इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस इज इक्वल टू 1 डॉट 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 प्लस एन। Clearly, the right-hand side forms an arithmetic series with a is equal to 1, d is equal to 2, minus 1 is equal to 1, and n is equal to n. So, Sn के लिए हमने formula पढ़ा था, Sn is equal to n over 2 into 2a plus n minus 1 into d. ठीक है, तो ये formula हम values put कर देते हैं, a हमारे पास 1 है, d हमारे पास 1 है, n की जगह पे हम n पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास अरिथमेटिक सीरीज आ जाएगी नेचुरल नंबर की। तो हमारे पास अगर एस एन की जगह पे हमने 100 नेचुरल नंबर लिखना है, तो एस एन की जगह पे हम 100 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमें उस सब का सम फाइंड आउट हम कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू है, तो n की वैल्यू n रखेंगे, आगे हमें ये यूज होगा फर्दर। ज्योमेट्रिक सीरीज।
The sum of the terms of geometric sequence forms a geometric series OGS. For example, 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16 is a geometric series. In general, if A is the first term and R is the common ratio of geometric series, then the series is given as A plus AR plus AR square plus AR3. Sum of terms of geometric series. Let A be the first term and R be the common ratio of a geometric series. Then its nth term is a n is equal to a r n minus 1, n is greater than n equal to 1. If s n denotes the sum of first n terms of one, then s is equal to a plus r a r plus a r to etc. इसके से हमने जब सॉल्व करने के बाद हमने फार्मूला निकाला ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए, तो s n is equal to a into a माइनस आर की पावर एन ओवर ए माइनस आर. तो जबकि ए आर इज नॉट इक्वल टू वन, तो ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज का फार्मूला आ गया. ये जो फार्मूले हैं ये एमसीक्यूज के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, जैसे कि सीक्वेंस का था, इसी तरह हमारे सीरीज का था. आपने एक बात नोट की होगी कि जैसे ही हमें अरिथमेटिक सीक्वेंस और अरिथमेटिक सीरीज, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में, पहले अरिथमेटिक सीरीज में सीक्वेंस में हमें डिफरेंस जरूरत था, तो अरिथमेटिक सीरीज में भी हमें सीक्वेंस की डिफरेंस की ही जरूरत पड़ी. और इसी तरह ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में हमें रेशियो की जरूरत थी, तो ज्योमेट्रिक सीरीज में भी रेशियो ही की जरूरत पड़ी. जस्ट सिंपल यह है कि वहाँ सम अप कर देते हैं हम ज्योमेट्रिक सीरीज में, जबकि सीक्वेंस में हम उसे सम अप नहीं करते. तो ये फार्मूलाज जो हैं आपको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए, जो आपको याद रहेंगे तो आगे बहुत सारे मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो इन पे ही डिपेंड करते हैं. तो आप इसको जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको ये फार्मूलाज आते होंगे. ये अरिथमेटिक जो आपका सीरीज है उसकी एक एग्जांपल है. तो अरिथमेटिक सीरीज की एग्जांपल को फार्मूले, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर पर प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा कि इसका फार्मूला, तो उस फार्मूले में वैल्यूज को पुट किया और हमारे पास आंसर आ गया. आसान से एक एग्जांपल है, इसको करेंगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि ज्योमेट्रिक सीरीज क्या है. प्रीवियस स्लाइड में जो चीज़ हमने पढ़ी उसमें पढ़ा कि इनफिनाइट ज्योमेट्रिक, हमने फिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज को पढ़ा. अब इसमें जब अगर हमारे पास इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज आ जाए तो उसके लिए फार्मूला क्या, उसके लिए फार्मूला और भी ज़्यादा आसान है. एस एन इज इक्वल टू ए ओवर ए माइनस आर. तो ये भी एक सिंपल सी बात है कि ज्योमेट्रिक सीरीज में दो फार्मूला आते हैं, एक फिनाइट सीरीज के लिए और एक इनफिनाइट सीरीज के लिए. फिनाइट सीरीज के लिए हमारे पास जो फार्मूला ड्राइव हुआ है वो पहले से भी ज़्यादा आसान है. तो ए ओवर ये फर्स्ट टर्म हो गई ए माइनस आर, तो इसमें एन की इन्वॉल्वमेंट भी खत्म हो गई. जी ये इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज की एग्जांपल है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली ये इनफिनाइट फार्मूला जो है वो उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो याद रह जाएगा. तो इसको आप देखें, एक सॉल्व एग्जांपल है एक्सरसाइज की, तो आप इसको देख सकते हैं ये सॉल्व किया हुआ. इसमें क्या है, इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज को देखा गया. जी एंड में कुछ ये इम्पोर्टेंट सीरीज हैं जिनको उसने समीशन की फॉर्म में दिए, एक्सपेंडेड फॉर्म में उसको समीशन में, और समीशन में होता है, तो इनको आप याद कर लेंगे तो आपको आसानी होगी. मजीद जो कम्प्लेक्स क्वेश्चन आते हैं उसमें अगर ये चीज़ें हमें याद हों तो हमें आसानी से उनको उनका उनको सॉल्व करना आसान हो जाता है हमें. थैंक यू सो मच फॉर योर कंसंट्रेशन.